आज हम बहुत ही डिफरेंट तिल के कुकी बनाने वाले हैं। इन कुकी को हम आज बिना आटा, बिना शक्कर और बिना ओवन के बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम 150 ग्राम तिल लेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। और फिर जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसी सेम पैन में बनाएंगे कुकी का सिरप। इसके लिए यहाँ पर 1 चम्मच घी डालेंगे, फिर उसमें डालेंगे 100 ग्राम के करीब गुड़। मीडियम फ्लेम पर गुड़ को पिघलने देंगे और इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, और जब तक गुड़ थोड़ा सा ग्लॉसी और थिक ना हो जाए और इसके ऊपर बबल्स नहीं आने लगे, बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारा गुड़ का सिरप बनकर तैयार हो गया है। अब जो तिल्ली रोस्ट करके रखी थी उस तिल्ली को इस गुड़ के सिरप में मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस कुकी को हमको गरम गरम ही बनाना है, तो हो सके आप घर में किसी की भी मदद ले सकते हैं इन कुकी बनाने के लिए। ये मिक्सचर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक बाउल में आपको पानी भर के साइड में रखना है और इस मिक्सचर का एक एक स्कूप भर के आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर डालना है और फिर अपने हाथों को गीला करके इस मिक्सचर को प्रेस करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बस उसी तरीके से आपको भी करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर को आपको गरम गरम ही इसके कुकी बनाना है, ठंडे होने पर इस मिक्सचर के कुकी नहीं बन पाएंगे। तो बस आप इसको फटाफट से ऐसे सब बना लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर के ये कुकी बनाकर तैयार कर लिए हैं। बस इस कुकी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देखा आपने ये कुकी कितने अच्छे से सेट हो गए हैं, मेरे उठाने पर ही आपको लग रहा होगा। तो इस क्लासिक कॉम्बो को आप चाय या कॉफ़ी या बच्चों के टिफ़िन में भी रखकर दे सकते हैं। आज की रेसिपी यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। हैप्पी कुकिंग विथ रज कुकिंग।